सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज करी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, चलो आप इसे ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मिक्स वेज बनाने के लिए इधर मैंने ये सारी सब्जी कट करके ली है। इसमें एक कटा हुआ आलू, एक छोटा कटा हुआ गाजर, आधा कप मटर, मैंने फ्रेश मटर लिए है, आप फ्रोजन लिया तो भी चलेगा, थोड़ा कटा हुआ फूलगोभी, फ्रेंच बीन्स कटी हुई, एक कटी हुई शिमला मिर्च, एक कटा हुआ प्याज, दो कटे हुए टमाटर, 20 से 25 काजू, एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी, कटा हुआ हरा धनिया, टेस्ट के लिए नमक और एक चम्मच बटर, और इसके साथ साथ हमें चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। गैस के ऊपर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे और एक प्याज, प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। तो इसी तरह से प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है, इसमें काजू डालेंगे, टमाटर, थोड़ा नमक और मिक्स करेंगे। अब हम पैन के ऊपर ढक्कन रख के धीमी गैस पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसे मैं एक बाउल में निकालूंगी और ठंडा होने के बाद हमें इसकी पेस्ट बनानी है। गैस के ऊपर दूसरा पैन चढ़ाया है, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू और गाजर और इन दोनों को सॉफ्ट होने तक मध्यम आंच पे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से गाजर और आलू हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे एक बाउल में निकालेंगे और सेम बचा हुआ तेल में फूलगोभी डालेंगे और फ्रेंच बीन्स, और इन दोनों को भी 2 मिनट मध्यम आंच पे फ्राई करेंगे। फूलगोभी और फ्रेंच बीन्स भी हल्के से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी एक बाउल में निकालेंगे और ये जो बचा हुआ तेल है ये ज़्यादा है तो इसीलिए मैं इसमें से थोड़ा तेल निकालूंगी। तकरीबन इसमें हमें 1 चम्मच ही तेल रखना है। 1 चम्मच बटर डालेंगे, बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा और अदरक और लहसुन की पेस्ट डाली है और इसे मध्यम आंच पे 1 मिनट भूनेंगे। गैस की आग धीमी करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, मिलाते हैं हल्दी को। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, मीन्स 5 टमाटर और काजू की प्यूरी, बाकी सारे मसाले डालेंगे, धनिया और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मध्यम आंच पे इसमें से तेल अलग होने तक भूनेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, तेज गैस पे भूनोगे तो मसाला जल जाएगा। मसालों से हल्का सा तेल अलग होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे मटर और शिमला मिर्च और 1 मिनट इसी तरह से ही मध्यम आंच पे फ्राई करेंगे मसाले के साथ। चाहे तो आप डायरेक्ट तेल में भी मटर और शिमला मिर्च को फ्राई कर सकते हो। इसमें बाकी फ्राई की हुई सब्जी डालेंगे और मिक्स करेंगे और फिर से 2 मिनट इसी तरह से ही पकाएंगे। कलची से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप और 3/4 कप पानी और मिक्स करेंगे। आपको कढ़ी ज़्यादा पतली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस सब्जी पकाने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट के लिए नमक डालेंगे, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करेंगे। सारी सब्जी हमने पहले ही फ्राई करके ली है तो इसीलिए इसे पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
अब हम पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये सब्जी अच्छी तरह से बन जाती है। इस सब्जी को मैंने 8 से 9 मिनट बिल्कुल धीमी गैस पे पकाया है, तो इसी तरह से बनके तैयार है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो। सब्जी को एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनके तैयार है। आप इसे कौन सी भी रोटी, नान, चपाती, राइस के साथ खा सकते हो। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी जो इसी तरह से घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज करी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।